इसके अंदर हमें दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई माइनस एक बटे अंडर रूट एक्स डी वाई प्लस वाई बटे चार एक्स स्क्वायर माइनस आठ प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स बराबर जीरो। पी का मान दिया हुआ है माइनस एक बटे अंडर रूट एक्स, क्यू का मान माइनस आठ प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स बटे चार एक्स स्क्वायर, आर का मान यू का मान निकालेंगे ई की पावर माइनस एक बटे दो इंटीग्रेशन पी डी एक्स एक बटे दो माइनस एक बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की घात माइनस एक बटे दो का समाकलन करेंगे तो दो अंडर रूट एक्स आ जाएगा, दो से ये दो कट जाएगा, ई की पावर अंडर रूट एक्स यू का मान हो जाएगा। फिर आई का मान निकालेंगे क्यू माइनस एक बटे चार पी स्क्वेयर माइनस एक बटे दो डी पी बाई डी एक्स, क्यू का मान अलग अलग कर लेते हैं इसको, माइनस दो बटे एक्स स्क्वेयर प्लस एक बटे चार एक्स की घात तीन बटे दो प्लस एक बटे चार एक्स माइनस एक बटे चार पी स्क्वेयर का मतलब इसका वर्ग करेंगे एक बटे एक्स आ जाएगा, माइनस एक बटे दो डी पी बाई डी एक्स का मतलब इसका अवकलन, अगर इसका अवकलन करते हैं तो एक्स की घात माइनस एक बटे दो का अवकलन माइनस एक बटे दो एक्स की घात माइनस तीन बटे दो बनेगा, तो ये आ जाएगा एक बटे दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हुआ था ये माइनस ही रह जाएगा, एक्स की पावर तीन बटे दो। हल करेंगे ये पार्ट इस पार्ट से, ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल, आई का मान आ जाएगा माइनस दो बटे एक्स स्क्वेयर, एस का मान जीरो आ जाएगा क्योंकि आर का मान जीरो है, प्रेस मान्य ग्रुप बन जाएगा डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस दो बटे एक्स स्क्वेयर वी बराबर जीरो। हल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस दो वी बराबर जीरो, पूरे को एक्स स्क्वेयर से गुणा कर दिया। ये एक समीकरण समघात समीकरण है जो सिक्स्थ एच एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज थी सिक्स्थ प्रश्नावली की उसमें किया था हमने, उसके अनुसार एक्स की जगह पर लॉग जेड और जेड की जगह पर ई की पावर एक्स रखते हुए इसको परिवर्तित करते हैं, इसका परिवर्तन करेंगे तो एक्स डी स्क्वेयर जो था वो डी डैश इंटू डी डैश माइनस एक में बदल जाता है, मान रख देते हैं तो ये डी डैश इंटू डी डैश माइनस एक माइनस दो इंटू वी बराबर जीरो या डी डैश माइनस दो बराबर जीरो बन जाएगा, सिर्फ सी एफ निकलेगा इसमें और सी एफ निकालने के लिए डी डैश का स्क्वेयर है ये एम स्क्वेयर माइनस एम माइनस दो बराबर जीरो, गुणनखंड हो जाएंगे एम माइनस दो एम प्लस एक बराबर जीरो, जिससे एक तो एम का मान माइनस एक और एक दो आ जाएगा, जिससे वी का मान आ जाएगा सी वन ई की पावर माइनस जेड प्लस सी टू ई की पावर दो जेड। ई की पावर माइनस जेड यहाँ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड होता था और यहाँ पे हम लेके चलते थे जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स के इक्वल, तो जब यहाँ पे ई की पावर जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सी वन अपॉन एक्स प्लस इसमें पुट करेंगे तो सी टू एक्स स्क्वेयर वी का मान आ जाएगा, यू इन टू वी करेंगे आंसर आ जाएगा
जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर अंडर रूट x इंटू सी वन बटे एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, जो कि आंसर। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर बदलने की विधि। हमारे पास कोई भी द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण इस रूप में होती है, प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। इसके अंदर हम एक्स को, एक्स स्वतंत्र चर है, इस एक्स को हम जेड से परिवर्तन करेंगे। जेड हम क्या माने या एक्स को हम क्या लेके चलें जिससे कि ये जेड में परिवर्तन हो जाए, वो आगे के मानों में हम ज्ञात करेंगे। हम एक्स जो वेरिएबल है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, उसको एक नए स्वतंत्र चर जेड से परिवर्तित करेंगे, जिससे कि ये दी गई समीकरण इस रूप में बदल जाएगी, डी टू वी बाई डी जेड स्क्वेयर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन इज इक्वल टू आर वन। यहाँ हम जो परिवर्तन कर रहे हैं एक्स को जेड में, जब परिवर्तित कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से लेट करके चलेंगे कि P1 और Q1 का मान जो है वो कांस्टेंट आ जाए। अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो कांस्टेंट वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी, CF और PI का मान निकाल के हल हो जाएगा। और Z का मान किस प्रकार से परिभाषित करें या P1, Q1 और R1 का मान कैसे लें, उसके लिए सूत्र है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले P1 के लिए है, P1 बराबर डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। मोस्टली कोशिश तो ये करेंगे कि पी वन का मान जीरो हो जाए, नहीं होता कोई कांस्टेंट भी लेना पड़ सकता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है। क्यू वन का मान निकालने के लिए Q बटे dz बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, इसका इम्पोर्टेंट है यूज हमारे पास, हम इसके अकॉर्डिंग सवालों को हल करेंगे। Q का मान, Q1 का मान हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि वो जो भी मान प्राप्त हो रहा है वो उसका वर्गमूल निकाला जाए उसके कैंसिल करने के बाद, और फिर इसका समाकलन करते हुए z का मान x के पदों में ज्ञात करेंगे, वो z की वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे। p1 का मान डिफाइंड होगा, p1 का मान या तो जीरो आएगा या कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा, और q1 की वैल्यू हम कांस्टेंट वैल्यू लेके चलेंगे, और r1 r अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मानते हुए हम P1, Q1 और R1 का मान निकालेंगे, इसमें प्रतिस्थापन करेंगे। ये जो छठी प्रश्नावली है उसके आधार पर हमारे पास कोई ना कोई सवाल बन जाएगा, जिसके अनुसार CF और PI निकालते हुए इसको हल कर देंगे। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं इस पर आधारित, समझ में आ जाएगा। पहला सवाल है, एक प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई, दो एक्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस चार वाई बराबर जीरो। हल करेंगे, पहले व्यापक रूप में बदलेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इसका भाग देंगे, अगर इसका भाग देते हैं तो ये बन जाएगा दो एक्स बटे एक प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, और चार बटे एक प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर वाई बराबर जीरो। पी का मान आ जाएगा और आर का मान है हमारे पास जीरो। सबसे पहले क्यू वन लेके चलेंगे भाई, क्यू बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। अब आप पर निर्भर करता है कि Q1 का मान या तो चार ले लीजिए या एक ले लीजिए, थोड़ा सा उत्तर में अंतर आ जाएगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन ली जा सकती है।
एक लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा और चार लेके चलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। मान लो मैं इसमें Q1 का मान चार ले लेता हूँ। चार किस प्रकार से परिभाषित किया इस मान से निकलेगा भाई, यहाँ से क्या मान ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ वेरिएबल चार, इसमें गुणांक जो गुणा में अंक आ रहा था वो चार आ रहा था, इसलिए हमने Q1 का मान चार ले लिया। अगर यहाँ पाँच आता तो पाँच लेते, तीन आता तो तीन लेते। अभी यहाँ पे मैंने एक और चार इसलिए दो मान कहे थे क्योंकि चार का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है और एक का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। पाँच आता तो केवल पाँच ही लेना पड़ता, एक नहीं ले सकते थे फिर, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलता था, पूर्ण हल नहीं आता था उसका। ठीक है, तो इस क्यू पर निर्भर करेगा, क्यू के साथ जो भी गुणांक आ रहा है, गुणा में अंक जो आ रहा है उस अंक पर निर्भर करेगा, वही Q1 का मान मान के चलना है हमें। हल करते हैं, अगर मैं इसको चार ले लेता हूँ तो यहाँ पे मान आ जाएगा चार बटे एक प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर बनेगा। यहाँ पे क्यू का मान रख दिया मैंने, Q1 का मान रख दिया, यहाँ से चार से ये चार कट गया, डी जेड बाई डी एक्स इधर भाग में इधर आएगा तो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर बराबर आ जाएगा एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। वर्गमूल ले लें दोनों तरफ, स्क्वेयर रूट लेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वेयर। समाकलन करो इसका, जेड का मान आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वेयर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? उसके बाद में हम जब z का मान आ गया तो dz बाई डी एक्स तो हमारे पास है ही, एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वेयर। दोबारा अवकलन माइनस का दो एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ जाएगा। अवकलन आता है आप लोगों को, भाग में दिया हुआ है वन प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी घात माइनस एक हो गई, माइनस एक पहले, वन प्लस एक्स स्क्वेयर की घात माइनस दो गुणा वन प्लस एक्स स्क्वेयर का अवकलन दो एक्स, जो माइनस दो पावर थी वो बटे में आ गई। ये मान इसलिए निकाला है क्योंकि अब हम P1 का मान निकालेंगे। P1 का सूत्र ये रहा, P1 के अंदर मान रखो, P1 बराबर सूत्र के अनुसार d2z बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस पी गुना dz बाई डी एक्स। पी का मान क्या निकाला है हमने, पी का मान 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, dz बाई डी एक्स का मान 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बटे dz बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, यानी 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यहाँ तक कोई डाउट है? सिर्फ इसमें मान रखा है हमने, और मैंने जैसा कि बताया था कि या तो P1 का मान कोई अचर पद आएगा या फिर जीरो आएगा। आप देख सकते हो इसमें ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का जीरो बन रहा है। अगर जीरो बन रहा है तो P1 का मान क्या आ गया हमारे पास, अगर P1, Q1 और R1 की वैल्यू, क्योंकि R का मान जीरो है इसलिए R1 का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। ये तीनों मान रखते हैं तो अवकल समीकरण कुछ इस रूप में बदल जाएगी, d2y बाई dz स्क्वेयर प्लस जीरो इंटू चार वाई बराबर जीरो। अभी हल किया था उसके अनुसार सिर्फ cf निकलेगा और cf का मान आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस चार बराबर जीरो, m बराबर प्लस माइनस दो आइटा। इससे y बराबर बन जाएगा c1 cos ऑफ 2z प्लस c2 sin ऑफ 2z। z का मान रख देंगे, हमने z का मान क्या निकाला था, tan इनवर्स x। कोस 2x का सूत्र होता है बेटा, एक कोस 2z का, कोस 2z का सूत्र क्या था, एक माइनस टेन स्क्वेयर जेड बटे एक प्लस टेन स्क्वेयर जेड। C2 साइन 2z का सूत्र दो टेन जेड बटे एक प्लस टेन स्क्वेयर जेड। यहाँ से अगर टेन जेड का मान निकालें कितना है, x है, अगर x है तो यहाँ पे x रख देंगे तो y का मान आ जाएगा c1 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c2 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो कि इस दी गई अवकल समीकरण का हल है।
तो सबसे पहले हम व्यापक रूप में बदलते हुए पी क्यू आर निकालेंगे, फिर क्यू वन का मान लेंगे। क्यू वन का मान हमेशा क्यू के गुणा में जो अंक आ रहा है, गुणा में जो अंक आ रहा है या भाग में आ रहा है, अगर भाग में आता तो जैसे मान लो एक बटे दो आ जाता तो यहाँ एक बटे दो ले लेते, एक बटे चार आ जाता तो यहाँ एक बटे चार ले लेते, माइनस एक बटे दो आता तो माइनस का एक बटे दो ले लेते, वो इस पर निर्भर कर रहा है। अगर इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल रहा है तो डायरेक्ट मान लीजिए, अगर वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, जैसे कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं आ रहा तो वो एज इट इज ले लेंगे। अगर वर्गमूल बन रहा है तो एक और उसमें से कोई एक संख्या ले सकते हो आप, वो आप पर निर्भर करेगा। आपने वो कौन नंबर ले लिया, dz by dx का मान आ जाएगा, समाकलन करोगे z की वैल्यू x के पदों में आ जाएगी, फिर p1 का मान निकालेंगे, लगभग p1 का मान जीरो आएगा, किसी में कांस्टेंट भी आ सकता है। कांस्टेंट का मतलब एक दो, एक बटे दो, तीन बटे चार, एक माइनस पाँच बटे सात, इस तरह से कोई मान आ सकता है। x में मान नहीं बचेगा, x में कोई भी मान नहीं आएगा इसका। ये मान आने के बाद में आर वन निकाल लेंगे, आर वन का मान आर बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये तीनों वैल्यू इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो ये जो अवकल समीकरण है वो उसका चर परिवर्तन हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन निकालना हमने पीछे छठी प्रश्नावली में किया हुआ है, उसके अनुसार करते हुए आगे जेड का मान वापस प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। तीसरा सवाल कर रहे हैं जिसके अनुसार डी स्क्वेयर वाई माइनस एक बटे एक्स डी वाई, पी का मान आ जाएगा माइनस एक बटे एक्स, क्यू का मान है चार एक्स स्क्वेयर, आर का मान है एक्स की पावर चार, क्यू वन का मान चार मान के चलेंगे, जिसके अनुसार क्यू वन बराबर क्यू बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर है, तो ये बन जाएगा चार गुना डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर बराबर q, यानी चार एक्स स्क्वेयर, चार से चार कट जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा x, या समाकलन करने पर z बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बटे दो। डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे, एक आ जाएगा, p1 का सूत्र डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। मान रखो एक प्लस पी का मान माइनस एक बटे एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स का मान एक्स बटे डी जेड बाई डी एक्स का मान एक्स का स्क्वेयर। एक्स से एक्स कट गया, एक माइनस एक जीरो आ गया। आर वन का मान निकालेंगे, आर बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, आर का मान एक्स की घात चार बटे एक्स का स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, समीकरण बदल जाएगी, प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन के रूप में, यह बन जाएगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वेयर, इसका मान जीरो, इसको चार माना था हमने, बराबर में आर वन यानी एक्स स्क्वेयर। सी एफ निकालेंगे, एम स्क्वेयर प्लस चार बराबर जीरो, एम का मान प्लस माइनस दो आइटा, सी एफ आ जाएगा सी वन कॉस दो जेड प्लस सी टू साइन दो जेड। जेड का मान रख देते हैं, जेड बराबर हमने निकाला था एक्स स्क्वेयर बटे दो, तो C1 का मान आ जाएगा cos x स्क्वेयर प्लस C2 sin x स्क्वेयर। PI निकालेंगे, x स्क्वेयर बटे d स्क्वेयर प्लस 4 बनेगा, हल करने की विधि थी 1 बटे 4 कॉमन, 1 प्लस d स्क्वेयर की घात माइनस 1 x स्क्वेयर आएगा, 1 बटे 4 1 माइनस d स्क्वेयर हो जाएगा, हल करेंगे 1 बटे 4 एक्स स्क्वेयर माइनस, इसका हल करेंगे तो कितना बनेगा, एक एक्स स्क्वेयर की जगह यहाँ पे परिवर्तन करेंगे भाई, एक्स स्क्वेयर की जगह वापस हम दो जेड रखेंगे यहाँ, बराबर दो जेड, क्योंकि सारी समीकरण जेड में है
ये x में नहीं रख सकते हम, यहाँ पे ये परिवर्तन होगा, x का मान z के पदों में जो निकाला था वो वापस रखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आ जाएगा 2z, ये बन जाएगा आपके पास 2z, इसके लिए 2z, और यहाँ पे जब हल करेंगे दो से ये तो कट जाएगा, दो दूनी चार, यहाँ पे जब मान निकालेंगे तो एक बार ही अवकलन किया जा सकता है, दो बार नहीं किया सकता, इसलिए ये जीरो हो जाएगा, z बटे दो बन जाएगा। y का मान आ जाएगा सी एफ प्लस पी आई, पी आई का जो मान निकाला है हमने वो है z बटे दो, और z जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वेयर बटे दो के, तो वो एक बटे चार एक्स स्क्वेयर बना देगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका मान एक्स स्क्वेयर बटे चार सी एफ प्लस पी आई, यानी सी वन कॉस एक्स स्क्वेयर सी टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बटे चार, इसका सॉल्यूशन है। हाँ भाई, डी टू वाई माइनस कॉट एक्स डी वाई माइनस साइन स्क्वेयर एक्स वाई बराबर कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स है, पी का मान माइनस कॉट एक्स, क्यू का मान माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और आर का मान कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। हल करते हैं, क्यू वन का मान माइनस एक लेके चलेंगे, इसका गुणांक, गुणा में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, माइनस कटेगा तभी वर्गमूल आएगा वरना काल्पनिक संख्या बन जाएगी, और काल्पनिक संख्या हमें बनानी नहीं, इसलिए Q1 का मान क्या लेके चलेंगे, माइनस एक। तो Q1 बराबर होता है Q बटे dz बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, Q1 की वैल्यू माइनस एक, ये भाग में है गुणा में आ जाएगा, बराबर में Q, Q का मान है माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dz बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स, जिससे z की वैल्यू आ जाएगी समाकलन इसका, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस का कॉस एक्स। पी वन का मान सूत्र है आपके पास डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, मान रखो इसमें कॉस एक्स, पी का मान है माइनस कॉट एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स का मान निकाला था साइन एक्स बटे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर एक्स। हल करेंगे, कॉट एक्स का मतलब कॉस बटे साइन, साइन से साइन कट गया, कॉस माइनस कॉस यानी जीरो आ गया, समीकरण बन गई डी टू जेड ओवर डी टू वाई बाई डी एच जेड स्क्वेयर P1 dy by dz Q1 y बराबर r1। r1 का मान और निकाल लीजिए, अगर r1 का मान निकालेंगे तो r1 बराबर आएगा r बटे dz by dx का होल स्क्वेयर, r ये रहा, इसमें से cos x को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वेयर x और अपॉन में sin स्क्वेयर x। हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स और साइन स्क्वेयर एक्स बराबर होते हैं, इसका मतलब आर वन का मान क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ये समीकरण परिवर्तित हो जाएगी डी टू वाई माइनस वाई बराबर कॉस एक्स के रूप में। हल करेंगे, कॉस एक्स है, जेड का मान हमारे पास माइनस कॉस एक्स है और वहाँ कॉस एक्स बन रहा है, इसको परिवर्तन करेंगे तो माइनस का जेड लिखा जाएगा इसकी जगह, तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर माइनस एक इंटू वाई बराबर माइनस जेड। अब सी एफ और पी आई निकालेंगे, सी एफ एम स्क्वेयर माइनस एक बराबर जीरो, एम बराबर प्लस माइनस एक, सी एफ आ जाएगा जिससे सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड, या सी वन ई की पावर जेड का मान माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस कॉस एक्स प्लस सी टू ई की पावर प्लस कॉस एक्स। पी आई माइनस जेड बटे
डी स्क्वेयर माइनस एक, हल करेंगे माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, एक माइनस डी स्क्वेयर की पावर माइनस एक, एक प्लस डी स्क्वेयर जेड, ये जेड आ जाएगा जेड जो था वो माइनस कॉस एक्स था, हल करेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा आपके पास सी वन ई की पावर माइनस कॉस एक्स प्लस सी टू ई की पावर प्लस कॉस एक्स और माइनस का कॉस एक्स, जो कि दी गई अवकल समीकरण का हल होगा।